मार्क्स सिर्फ यू आर नॉट गोइंग फॉर द मार्क्स, क्या आ रहे क्या नहीं आ रहे। तब आपको रेलिवेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा कि आपकी क्या, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा आपका क्या वीक पॉइंट है, ठीक है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, ये सवाल आपको अपने से जवाब देना है। जिनको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक बोरिंग लगता है तो आप ये नहीं समझ पा रहे कि वो इंपॉर्टेंट है। आप किस लिए पढ़ रहे हैं, आप क्या इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरे को जल्दी से ये बताना, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप अभी सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं या फिर आप कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ रहे हैं, पहले ये बता दो। देखो अगर इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो तो अलग बात है, कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ रहे हो या इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो पहले मेरे को ये बता। इंटरेस्ट कहने का मतलब आप सिर्फ यू आर नॉट गोइंग फॉर द मार्क्स, क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, यू आर सेटिस्फाइड विद नॉलेज, सेटिस्फाइड विद नॉलेज। आपको मार्क्स क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ जानना है कि हाँ यार इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या, बस इतना जानना है, मार्क्स क्या आ रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसके लिए पढ़ रहे हो ना तो ये चीज ऑनगोइंग रहेगी थ्रू आउट लाइफ, ऑनगोइंग। आप लाइफ भर उस चीज को सीख सकते हैं और सीखते चले जाएंगे, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। लेकिन आपका जो ये कॉम्पिटिशन है ना उसके लिए सिर्फ आपके पास मैक्स टू मैक्स अब 1 ईयर बचा है। इसी साल में आपका मतलब इसी टाइम के आसपास तक आप IIT में, क्योंकि इस बार कोई डिले नहीं होगा सेशन में, इसी साल के अगले साल के इसी टाइम पे आप IIT या NIT में कहीं होंगे, यहां पर आपका टाइम फ्रेम। और जब आपका टाइम फ्रेम होता है ना तब आपको रेलिवेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेलिवेंट क्या है, रेलिवेंट आपका इंटरेस्टिंग भी हो सकता है जिसमें ये वाला बात आ गया, इंटरेस्ट आपका किसमें, और हो सकता है वो बोरिंग भी हो सकता है, वो कतई बोरिंग, ठीक है। लेकिन बात उससे मतलब नहीं है कि वो बोरिंग है या इंटरेस्ट है। मैं बता रहा हूं अभी आप गड्ढा खोद रहे हैं और उस गड्ढे में डूब जाएंगे आप, ठीक है। बोरिंग हो कुछ टॉपिक्स, ऑब्वियसली फिजिक्स में भी बोरिंग होंगे, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, और कुछ इंटरेस्टिंग भी होंगे फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। आपको यह देखना है कि आपको किस तरीके से 200 प्लस लाने, इट डजंट मैटर कि वो बोरिंग है इंटरेस्टिंग है या क्या। तो इस सोच को, वही मैं कह रहा हूं ना, ये सारी भावनाएं ना, ये मार्केट वाली भावनाएं चल रही हैं आपके अंदर। मार्केट वाली भावनाएं कहने का मतलब भाई इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। आपके लिए तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए अगर पता लग रहा है कि फिजिक्स आपकी वीक है, एक अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैंने एक बच्चे का मैसेज पढ़ लिया, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा, लेकिन चलो कोई नहीं, वो बच्चे का ओपिनियन भी हो सकता है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आता राजवंत सर का, हो सकता है यार, हो सकता है। मैं तो स्टार्टिंग में भी मैंने बात बोली, हो सकता है, और इसकी परसेंटेज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा ना, मैं आपका एज अ सीनियर बोलो या फिर एज अ ब्रदर बोलो या कुछ भी बोलना है बोलो, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे साथ बैठ के अपना करियर क्यों खराब करेंगे, मत करिए ना। आपको यहां पर ये स्कोर टारगेट है, आपको मेरे से पढ़ना टारगेट नहीं है। मैं अभी भी बता रहा हूं, अगर आपको मेरे से दिक्कत आ रही है, हो सकता है कईयों की सिंक्रोनाइजेशन मेरे साथ हो और वो अच्छी बात है मेरे लिए, अगर नहीं है तो वो मेरे लिए बुरी बात है। क्यों? क्योंकि आप मेरे चक्कर में हो सकता है अपना करियर खराब कर लें, एंड दैट थिंग आई डोंट वांट। आपको जहां, क्योंकि आपका पास टाइम फ्रेम फिक्स है, आपको जहां से बेटर लगे आप वहां से पढ़िए। लेकिन जब आप कुछ अचीव कर लेंगे ना तो वो देश का ही भला है, वो देश का ही भला है। और मैं भी वो चाहता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर जाएं और देश और आगे निकले। तो मेन टारगेट तो वही अचीव होना है ना, आपका भी स्कोर करवाना है और मेरे को भी वही करवाना है। पढ़ के कर लेंगे वो उनके लिए बेटर, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मेरी एक बहुत छोटी सी गुंजाइश है बेटा, आप ना इस चीज के पर पीछे मत दौड़ो, ये किताब अच्छी या ये टीचर अच्छा या ये वो, आपको हर टीचर सेम कंटेंट देगा, प्लस माइनस सबका अलग होता है, वो प्लस माइनस इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। सबका कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, सबका बताने का तरीका प्लस माइनस होता है। कोई जैसे RC सर्किट है, एक बच्चे ने बोलता सर आपने RC सर्किट कैपेसिटेंस में नहीं कराया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं RC सर्किट कैपेसिटेंस में नहीं समझा पाऊंगा बच्चे को, क्योंकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस का फील आ जाए, थोड़ा सा नोडल एनालिसिस का फील आ जाए, थोड़ा सा KVL का फील आ जाए तो RC सर्किट करा लेंगे। लेकिन कुछ लोग पहले पढ़ लेते हैं, उनको तरीका पता है कैसे बच्चे को सिखाना। तो आप इस चीज से प्लस माइनस से मत घबराइए,
आपके सामने कंटेंट है, उस कंटेंट को कंज्यूम करिए और सारी की सारी एनालिसिस आपकी पीवाईक्यू और टेस्ट देगा, सारी की सारी एनालिसिस आपकी पीवाईक्यू और टेस्ट देगा। जो बच्चा टेस्ट से सीखेगा वो आगे निकल जाएगा, जो बच्चा पीवाईक्यू से पैटर्न बनाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वही आगे निकल जाएगा। सिंपल सी बात, क्लियर।